चांदी पूरा रोग नो कहर दिवसे ने दिवसे राज्य में वधी गयो छे। बनासकांठा में शंकास्पद चांदीपुरा थी बे बाळकुना मौत थया। अमदावाद में सारवार लेता पालनपुरना बाळकनुं मौत थयुं छे। पाटणनी हॉस्पिटल में डीसाना सदरपुरना बाळकनुं पण मृत्यु थयुं। सुईगाम, दांतीवाड़ा, डीसा, पालनपुर में एक एक शंकास्पद केस नोंधाया। तो दिवसे ने दिवसे चांदीपुरा रोग नो कहर वधी गयो छे। जो के तंत्र सर्वे नी कामगिरी करी रह्यू छे, दवा छंटकाव करी रह्यू छे। वात सूरत नी करीए, सूरत में चांदीपुरा वायरस नी दस्तक। सचिन विस्तार में चांदीपुरा वायरस नो शंकास्पद केस नोंधायो। 11 वर्षीय बाळकी नी सिविल हॉस्पिटल में सारवार चाली रही छे। स्लम बोर्ड ना आवास में रहती बाळकी में शंकास्पद लक्षणों देखाता पहला तो तेने खानगी हॉस्पिटल में सारवार माटे लई जवाई, त्यारबाद તેને વધુ સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાઈ છે। હાલ બાળકીની સ્થિતિ ગંભીર છે। વધુ તપાસ માટે સેમ્પલ્સ લેવામાં આવ્યા છે અને લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા। સુરત શહેરના સચિનમાં ચાંદીપુરાનો કેસ સામે આવ્યો છે। ક્યા હુઆ, કિસ તરહ સે બચ્ચી કો તાવ આયા, કિસ તરહ સે ક્યા કુછ હુઆ? સર કુછ ભી નહીં, સબ કુછ બરાબર હી થા। અચાનક સે ઉસકો રાત મે બુખાર આયા હૈ। બુખાર આને કે બાદ મે સુબહ મે હમ લોગ વહાં પે એડમિટ કિયે। वहाँ पे भी सही था, लेकिन वो उल्टी दस्त, एक बार दस्त भी हुआ, उल्टी बंद नहीं हो रहा था, तो वहाँ से यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद में ट्रीटमेंट चालू है। पहले कहाँ ले गए थे वो, डॉक्टर ने क्या कहा आपको और क्या सुना? वो केटला पार्क है, वहीं पे स्लम बोर्ड में बच्चों का हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेके गए थे हम लोग। क्या बताया डॉक्टर ने, क्या हुआ? डॉक्टर ने वहाँ पे बताया कि हमारे पास वो बच्चे को आईसीयू में रखना पड़ेगा, पूरा सुविधा हमारे पास नहीं, इसके लिए आप सिविल में जाओ। तो वहाँ से उन लोगों ने खुद ही बुलाकर हमको यहाँ पे भेजा। सिविल में लाए हैं तो डॉक्टर क्या बता रहे, क्या हुआ है? यहाँ पे तो इलाज चालू है बच्ची का। क्या बोल रहे, क्या हुआ? वो बुखार की वजह से ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन बता रहे हैं ऐसा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ब्रेन में इन्फेक्शन ऐसा कुछ बता रहे हैं, उसका इलाज चल रहा है। कितने साल की है लड़की और कौन से इलाके में रहते हो? मैं स्लम बोर्ड सचिन में रहता हूँ और बच्ची 11 साल 8 महीने की है। बिल्कुल जोई शकाय छे, परिवार चिंताजनक छे अने अत्यारे जे बाळकी छे एनी स्थिति क्रिटिकल छे, नवी सिविल हॉस्पिटल में तेनी सारवार चाली रही छे। कैमरामैन राकेश पानवाला साथे धनराज बागले, एबीपी अस्मिता, सूरत। कितने बजे आप इधर सिविल में आए? रात को। तो ચાંદીપુરાનો કહેર સુરતમાં પણ જોવા મળ્યો છે। ચાંદીપુરા વાયરસની દસ્તક અહીં 11 વર્ષની બાળકીમાં જોવા મળી। हम लोग जो रूम पर था दवा वो दे दिया था, उसके बाद में सुबह में एडमिट कर दिए थे। हाँ, उसके बाद दो चार बार उल्टी हो गया, दो बार उसके बाद भर्ती कर दिए थे हम लोग। पहले कहाँ ले गए थे? श्रवणपुर में उधर। हाँ, डॉक्टर क्या बता रहे, क्या हुआ है? अरे दिमागी कुछ बता रहे थे कि दिमाग में उसका अतु फैल गया है। हाँ, उसके बाद उसका बस के नहीं था, एसी नहीं था उसका, फैन से जो मुंह में लगाया जाता है वह नहीं था उनके पास में कुछ व्यवस्था, इसीलिए इधर भेज दिए थे। हम लोग इधर लेके आ गए थे। और कहाँ रहते हो? बच्ची कितनी कक्षा में पढ़ती है? वो 3 क्लास में पढ़ती है। 3 में पढ़ती है कि कितने में पढ़ती है? देखिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है सर, मेरे बच्ची के लिए दिमाग मेरा चटा गया। कितने पढ़ती है मेरे को कुछ पता नहीं चलता है कि मैं क्या बताऊं। डॉक्टर क्या बता रहे हैं अभी? उसका दिमाग में वायरस फैल गया है। हाँ, वायरस पूरा फैल गया है, वही बता रही थी। કહે માતા અત્યારે આ રીતે આક્રંદ કરી રહી છે અને જે પ્રમાણેની ઘટના ઘટી છે ત્યારે તાત્કાલિક ધોરણે નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં જે સ્પેશિયલ વોર્ડ બનાવવામાં આવ્યો છે ચાંદીપુરા કેસને લઈને, તેમાં સારવાર શરૂ થઈ ચૂકી છે। કેમેરામેન રાકેશ પાનવાલા સાથે ધનરાજ બાગલે, એબીપી અસ્મિતા, સુરત।